समाचार में मैं हूँ आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। खबर लखनऊ से है। पीसीएस से आईएएस बनने की जीपीसी आज। 2004-5-6 बैच के पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस। आईएएस के 22 पदों के लिए पदोन्नति बैठक आज। लोक भवन में आज पदोन्नति को लेकर के बैठक। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। मनोज कुमार सिंह, देवेश चतुर्वेदी बैठक में मौजूद रहेंगे। डीओपीटी के अफसर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 2004-5-6 बैच के तमाम पीसीएस अफसर आईएएस बनेंगे। आईएएस के 22 पदों के लिए पदोन्नति बैठक आज। लोक भवन में आज पदोन्नति को लेकर के बैठक। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। मनोज कुमार सिंह, देवेश चतुर्वेदी बैठक में मौजूद रहेंगे। स्टेट हेड वीरेन सिंह जी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, आज जो पीसीएस से आईएएस बनने की डीपीसी है, 2004-5-6 बैच के पीसीएस अफसर आईएएस बनेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश सरकार के पीसीएस अफसरों के लिए कि उनको आईएएस बनने का मौका मिलने जा रहा है और 22 अफसर आज आईएएस पद पर प्रोन्नत हो जाएंगे। वैसे तो संघ लोक सेवा आयोग में डीओपीटी के द्वारा ये बैठक होती है, लेकिन इस बार जो टीम है केंद्र की वो यूपी आ रही है बैठक करने के लिए, और यहाँ लोक भवन में वो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ और आईआईडीसी और एपीसीए मनोज कुमार सिंह और नियुक्ति सचिव के साथ मीटिंग होगी और उसमें ये प्रोन्नति कमेटी जो है मुहर लगाएगी प्रमोशन पर। तो ये 2004-5-6 बैच के अधिकारी हैं, इनको प्रमोशन मिलेगा। ये काफी लंबे समय तक सेवा में रहेंगे जो लोग अभी प्रमोट हो जाएंगे, जबकि देखिए पुलिस में जो प्रांतीय पुलिस सर्विस के लोग हैं अभी वहाँ 93 और 94 बैच का ही प्रमोशन होने जा रहा है, यानी कि लगभग 10 सालों का अंतर पुलिस में और पीसीएस के अफसरों में पीपीएस में अंतर आ रहा है। तो थोड़ी विसंगति है, लेकिन एक बड़ा दिन है आज। निश्चित ही ये 22 लोग आईएएस अफसर बन जाएंगे जो उनके जीवन का सपना होता है, और आईएएस बनने के बाद तब लोग जिला अधिकारी के रूप में आगे जिलों में काम कर सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्री हरिकोटा चंद्रमा के सबसे नजदीक चंद्रयान